इम्प्लांट ले लो, इम्प्लांट ले लो, इम्प्लांट ले लो, इम्प्लांट ले लो, ऐसा लग रहा है जैसे इम्प्लांट लगाने की इम्प्लांट की मंडी बन गई है। प्लास्टिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जरी छोड़ के इम्प्लांट लगा रहे हैं। जनरल सर्जन है, जनरल सर्जरी छोड़ के इम्प्लांट लगा रहे हैं। इम्प्लांट सर्जरी यूरोलॉजिस्ट करते हैं भैया, यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट मतलब जो पेनिस की सर्जरी करते हैं, जो पेशाब की सर्जरी करते हैं। प्लास्टिक सर्जन का काम नहीं है इम्प्लांट लगाना। प्लास्टिक सर्जन बर्न्स करते हैं, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स करते हैं, इम्प्लांट नहीं लगाते हैं। और इतने प्लास्टिक सर्जन इम्प्लांट लगाने में इतनी खुशी मिल रही है, क्या आपको आपको प्लास्टिक सर्जरी नहीं आती? क्या आपने प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग करी है वो क्यों वेस्ट कर रहे हो अगर आपको इम्प्लांट ही करने थे तो? सेकंड, इम्प्लांट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट है, लास्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है। रोज़ बच्चे आ रहे हैं 20 साल के, 22 साल के, सारे इम्प्लांट कर दो। हमारी पहली गारंटी इम्प्लांट की ये है कि अगर आपको इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है तो आपको इम्प्लांट नहीं डालेंगे। पेशेंट बोलते सर पैसे लेके आए इम्प्लांट कराने के लिए, लाए हो तो पैसे अपने घर ले जाओ वापस, आपको दवाइयों से ठीक हो सकते हो, अभी यंग लड़के हो। यही लड़के आते हैं एक महीने बाद कि सर हमने गुड़गांव गए थे वहाँ से इम्प्लांट करा लिया, हम इंदौर गए थे हमने वहाँ से इम्प्लांट करा लिया, अब वो इम्प्लांट से हमारा पेनिस खराब हो गया, हमें पेन हो रहा है, हमें इरोजन हो रहा है, हमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो भाई बोला था आपको कि आपको ज़रूरत नहीं है इम्प्लांट की, क्यों आप इस बहकावे में आ रहे हो कि आपको इम्प्लांट की ज़रूरत है? इम्प्लांट लास्ट स्टेज में लगता है, लास्ट स्टेज मतलब कि आपको दवाइयाँ नहीं काम कर रही है, आपको PRP नहीं काम कर रहा, आपको शॉकवेव नहीं काम कर रहा, आपका पेनिस नहीं इरेक्ट हो रहा है, आप सेक्स नहीं कर पा रहे, आपको डायबिटीज़ है, आपको ट्रॉमा है, आपको वीनस लीक है। 90% लोग विदाउट इम्प्लांट ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको पिनाइल इम्प्लांट लगवाना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर जगह से कर, ये नहीं कह रहा मुझसे कराना है, ये कोई मेरे को पर्सनल वीडियो नहीं है। इम्प्लांट्स कराओ, यूरोलॉजिस्ट से कराओ, प्रॉपर ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट से कराओ, ठीक है? जिसने इम्प्लांट कम से कम 500,000 पहले किए हो, जिसके रिजल्ट्स अवेलेबल हो, जिसके पेशेंट ठीक हो, जिसको पता हो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे मैनेज करना है। एक प्लास्टिक सर्जन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है, वो कैसे मैनेज करेगा? उसको पता ही नहीं ईडी क्या होता है, वो प्लास्टिक सर्जन है, ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन, हिज वर्क इज़ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, हिज वर्क इज़ फेस इम्प्लांट्स, हिज वर्क इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है? वो पेनाइल इम्प्लांट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की का आइडिया ही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो वीडियोज़ देख रहे हैं यूरोलॉजिस्ट के और उसको कॉपी कर रहे हैं और मरीजों को रेट, वो तो रेट कम करेंगे क्योंकि उनको इन्फेक्शन करने हैं, उनको पेशेंट ठीक ही नहीं करने। पर छोड़ो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आज की वीडियो है कि हमारे पास पेनाइल इम्प्लांट की 10 गारंटीज़ की, अगर मैं किसी मरीज़ को पेनाइल इम्प्लांट ऑफ़र करता हूँ तो मैं पेनाइल इम्प्लांट के साथ उस मरीज़ को 10 गारंटीज़ ऑफ़र करता हूँ। वो 10 गारंटीज़ क्या है? वो 10 गारंटी इसलिए हमने बनाई थी ताकि पेशेंट्स जो है कंफर्टेबली करा पाए, क्योंकि एक नई सर्जरी थी, हम इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, हमने US से ट्रेनिंग करी, कोरिया से ट्रेनिंग करी। जब इंट्रोड्यूस किया तो बहुत कम होते थे, पेशेंट डरते थे, तो हमने बनाया कि चलो पेशेंट्स को कंफर्टेबल करने के लिए ये 10 गारंटीज़ हमारे हर पेशेंट को Day 1 से मिलती है, 7 साल से मिल रही है, आगे मिलती रहेगी। और 10 गारंटी में सबसे पहली गारंटी है 10 ईयर्स फ्री रिपेयर। 10 ईयर्स फ्री रिपेयर मतलब क्या? मतलब व्हाट इज़ फ्री रिपेयर? इम्प्लांट डालना मुश्किल नहीं है, इम्प्लांट डाल देगा कोई भी डाल देगा, काट के डालना है। इम्प्लांट में रिजल्ट देना मुश्किल है और इम्प्लांट में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एरोजन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हो गया तो क्या करेंगे? जिसको आता नहीं वो क्या करेगा? वो इम्प्लांट निकाल देगा, आपकी लाइफ खत्म, आपका पेनिस खत्म, आप क्या करोगे उसके बाद? हमारे यहाँ पर इम्प्लांट को रिपेयर करते हैं, अगर किसी और क्या ख़राब हुआ है तो मैं रिपेयर करता हूँ, अगर मेरा कोई इम्प्लांट कभी बाई चांस ख़राब हो जाए तो हमें उसको रिपेयर कराना आता है। तो एक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अच्छे सेंटर्स है, वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वहाँ के सर्जन्स को इम्प्लांट मैनेज करने आते हैं। सर इम्प्लांट डालना सब कुछ नहीं है, इम्प्लांट में रिजल्ट देना, इम्प्लांट की कॉम्प्लिकेशन देखना, इम्प्लांट का प्रॉपर अगर रिजल्ट नहीं आया तो कैसे बनाया जाए। तो हमारे यहाँ पर 10 ईयर्स गारंटी है कि आपसे अगर हमने इम्प्लांट की को पेमेंट ली है तो हम आपकी हर इम्प्लांट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम आपको मना नहीं करते, हम एक फ़ोन कॉल अवे है, आपको प्रॉब्लम है आप फ़ोन कॉल कीजिए, वी आर अवेलेबल। सेकंड है नो इन्फेक्शन। इम्प्लांट में एक ही कॉम्प्लिकेशन है जो सबसे ज़्यादा डरावनी है, वो इन्फेक्शन है। आप एक पेनिस में जो एक ऑलरेडी गंदा ऑर्गन है, पेनिस में पेशाब है, बाल है, पसीना है, छुपा हुआ ऑर्गन है, वहाँ गर्मी रहती है, स्वेट रहता है, उस गंदे एरिया के अंदर हमें एक साफ सुथरा इम्प्लांट डालना है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन कंट्रोल की हर एक चीज़ फॉलो हो, OT क्लीन हो, सामान क्लीन हो, सामान अच्छा लगे, एंटीबायोटिक अच्छी हो, प्रॉपरली बाल साफ़ किए जाए, जो सर्जन है अच्छा हो, टेक्नीशियन अच्छे हो, जो पट्टी वाला रूम है, आप सर्जरी आज करा रहे हो कल आपकी पट्टी होगी, ड्रेसिंग जो रूम है उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन रखी जाए, तो वो सब रखनी पड़ती है भाई, तभी इन्फेक्शन नहीं होगा। आप फ़ोन कर रहे हो मैं लखनऊ आ रहा हूँ, लखनऊ जा रहे हो, वहाँ पर आप किसी एक छोटे नर्सिंग होम में पेशेंट को बुला रहे हो, वहाँ से कम पैसे लेकर उसको ऑपरेशन कर रहे हो, उसको इन्फेक्शन तो होगा ही। उस नर्सिंग होम में सुबह सुबह फिस्टुला की सर्जरी हुई थी, शाम को हर्निया हुआ है, ठीक है, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, उसी OT में ना कुछ स्टेरिलिटी है, आज हम अपनी सर्जरी कर रहे हैं इम्प्लांट OT में, तो हमारे इम्प्लांट OT में सिर्फ इम्प्लांट ही होता है।
नो द सर्जरी इज डन, वहाँ कोई सर्जरियन सेक्शन, वहाँ कोई टट्टी की ऑपरेशन, हेमोरॉइड नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ इम्प्लांट होता है। तो इस वजह से वो ओटी क्लीन है, डेडिकेटेड इम्प्लांट ओटी है, डेडिकेटेड इम्प्लांट का स्टाफ है। अब एक ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम के अंदर इन्फेक्शन भी ट्रीटमेंट हो रहा है, सर्जरियन भी ट्रीटमेंट हो रहा है, टाके भी खुल रहे हैं, पस भी निकल रहा है, उसी के अंदर आपके अच्छे खासे इम्प्लांट की पट्टी करा रहे हो, तो इन्फेक्शन तो होगा ही। तो नो इन्फेक्शन, हमारे पिछले 3 साल में इन्फेक्शन नहीं हुआ है और हमारा आगे भी इन्फेक्शन नहीं होगा, इसका हम प्रॉपरली ध्यान रखते हैं। तीसरी गारंटी जो है वो है डे केयर प्रोसीजर। डे केयर अच्छा है, डे केयर बुरा नहीं है। वर्ल्ड में हर सर्जरी के अंदर कोशिश करते हैं कि पेशेंट फटाफट घर जाए, जल्दी ठीक हो, पेन ना हो, फटाफट अपने काम पे लगे, पेशाब जल्दी आए। पेशेंट कहता है सर मेरे को 3 दिन भर्ती करना है। क्यों करना है भर्ती 3 दिन? आप क्या चाहते हो कि 3 दिन आपकी नलकी पड़ी रहे, पेशाब की आपकी पट्टियाँ होती रहे, आपको दवाइयाँ चलती रहे, आप पेन में कराते रहे, ब्लीडिंग हो जाए, स्वेटिंग स्वेलिंग हो जाए, ब्रूजिंग हो जाए, टाके पक जाए? ये तो कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि सर्जरी आधे घंटे में हो, पेनलेस हो, अच्छी सर्जरी हो, अगले दिन पेशेंट वॉकिंग करे, अपना काम करे, नहाए धोए घर जाए, अपने काम पे लगे, ठीक है, और 15 डेज बाद सेक्स करे। तो डे केयर, पेनलेस, क्विक 30 मिनट सर्जरी, ठीक है। और ये तभी हो पाती है जब आपकी टेक्निक रिफाइंड है, जब आपके पेशेंट्स को आपने प्रॉपरली एग्जामिन किया है, आपके पेशेंट्स को प्रॉपरली तैयार किया है। पेशेंट डायबिटिक है, उसकी शुगर 300 है, 350 है, 400 है, उसके अंदर पेरोनीज है, कर्वेचर है, उस पेशेंट को, क्योंकि जस्ट वो पेशेंट आया है दूर से और उसको करना ही करना है, तो उसको लिटा के ऑपरेट कर दिया बिना देखे, बिना चेक किए, बिना उसको प्रॉपरली इवेलुएट किए, तो कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, पेशेंट 4 दिन भर्ती भी रहेगा। तो 4 दिन 5 दिन भर्ती होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ब्लडलेस सर्जरी हम नहीं चाहते कि ब्लीडिंग हो, पर ये कॉन्सेप्ट ब्लडलेस वाला जो है मेरे को समझ नहीं आया। देखो, आपका पेनिस क्या है? आपका पेनिस एक ब्लड का ऑर्गन है। पेनिस खड़ा कैसे होता है? खून से खड़ा होता है। तो हम आपके पेनिस को पहले खड़ा करते हैं, इरेक्शन मोड में लाते हैं, उसको इरेक्ट करते हैं, उसके अंदर ब्लड लाते हैं ताकि वो पूरा फूल जाए और उसके अंदर इम्प्लांट डलता है। तो अगर आप पेनिस को इरेक्ट करोगे और उसको खोलोगे, थोड़ा ब्लीडिंग होगा और वो ब्लीडिंग हेल्दी है, वो ब्लीडिंग से आपको अच्छा साइज मिलेगा, उस ब्लीडिंग से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, उस ब्लीडिंग से आपको अच्छी मोटाई मिलेगी। और हम चाहते हैं कि आपको आगे भी इरेक्शन आते रहे। इम्प्लांट डालने से इरेक्शन कम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, इम्प्लांट सपोर्ट देता है। इम्प्लांट के बाद भी आपको इरेक्शन आएंगे, आपको हार्डनेस आएगी, आपको मोटापा आएगा, आपको टाइमिंग बढ़ेगा। फिर हमारी एक बहुत बड़ी गारंटी है, नो हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस दो तरीके से आज के दिन मार्केट में हो रहा है। अब डॉक्टर है, शर्म आ रही है वीडियो बनाते हुए भी, डॉक्टर होते हुए बात करनी पड़ रही है, पर ऐसा हो रहा है। पहला हो रहा है हिडन चार्जेस, कि पेशेंट को बोलेंगे कि आपका ये प्राइस है, जब वो एडमिट हो जाएगा उसके बाद बोलेंगे जी आपके पेनिस में टेढ़ापन है, उसके इतने पैसे अलग है, आपके पेनिस में ये फाइमोसिस है, उसके पैसे इतने अलग है, आपके पेनिस में पेशाब की दिक्कत, उसके पैसे इतने अलग है। ये सारा पार्ट तो इम्प्लांट सर्जरी का ही है। तो एक बार अगर आपके सर्जन ने आपको एक प्राइस दिया है तो उसमें सब कुछ कवर होना चाहिए। पर एक बार पेशेंट का इम्प्लांट डल गया और वो मजबूरी में फंस गया, उसके बाद उससे 25 से 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेना बाद में, वो ठीक नहीं है। सेकंड, हिडन चार्जेस। पेशेंट को सर्जरी करी, उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया, 1.5 महीने बाद पेशेंट आया, आप उससे बात ही नहीं कर रहे, कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए फिर पैसे मांग रहे कि एडमिट करने के लिए जी इतने पैसे फिर देने पड़ेंगे आपको। अगर मैं आपको पिनाइल इम्प्लांट करूँगा तो वी हैव नो हिडन चार्ज पॉलिसी। आपको जो पैसे एक बार तय हो गए वही पैसे पे करने हैं। उस पैसे में आपको फुल क्वालिटी, फुल सर्जरी, फुल रिकवरी और 10 साल के लिए आपका केयर इंक्लूड है। तो हमारे यहाँ हिडन चार्जेस नहीं है। टेस्टिंग वगैरह सारे जो हमारे अच्छे जो सिंपल बेसिक टेस्ट है वो इंक्लूडेड है। कोई भारी टेस्ट है, स्ट्रेस इको एंजियोग्राफी है, जो ऑब्वियसली हम नहीं करा सकते, वो पहले से आपको एक ट्रांसपेरेंट वे में कम्युनिकेट किया जाएगा और वो हिडन चार्जेस नहीं है। तो बहुत पेशेंट्स आजकल फ़ोन करते हैं कि सर वहाँ तो इतने में हो रहा है तो आप प्लीज़ कराइए, ठीक है। हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो हमको एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमारे हर ओटी के अंदर 4 टेक्नीशियन है, नर्स है, प्रॉपर एनेस्थीसिया मशीन है, अच्छी कॉटरी है, हम अब हर केस के अंदर नया सामान यूज होता है, कॉटरी की, चाहे वो टिप हो, चाहे वो सक्शन की टिप हो, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो आपका ड्रेप हो, चाहे वो आपके एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो आईवी कैनुला हो, कुछ भी पेशेंट में रीयूज नहीं होता, सबका सब फेंक देते हैं, ठीक है। हम डब्बे में से निकाल के पुरानी कॉटरी यूज़ कर रहे हैं, पुराने टाके यूज़ कर रहे हैं, पुराने नीडल यूज़ कर रहे हैं, नहीं करते, क्योंकि आपकी सेफ्टी पैरामाउंट है। तो अच्छा काम करेंगे, थोड़ा सा ऑब्वियसली रेट एक्सपेंसिव होगा, बट फिर भी हमारा रेट बाकी लोगों से कंपेयर्ड काफ़ी कन्वीनियंट है और उसमें कोई भी हिडन चार्जेस कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसे कम्युनिकेशन है। बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन की बात कर चुके, अब फाइनल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे इम्प्लांट को बोलते हैं हैप्पी इम्प्लांट्स। हैप्पी इम्प्लांट्स मतलब कि इम्प्लांट करा के लगना चाहिए कि हाँ अब आपके पास कुछ है करने के लिए। अगर इम्प्लांट कराने के बाद भी पेशाब ही कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इम्प्लांट कराने के बाद भी ऐसे ही है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। साइज़ मिले, लंबाई मिले, मोटाई मिले, एंगल मिले, हार्डनेस मिले, टफनेस मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले, आपको मज़ा आए इम्प्लांट करा के, आपकी सेक्स लाइफ फिर से रिवाइव हो, आप उसको एंजॉय करो,
ये रिजल्ट है। जस्ट इम्प्लांट डाल के नुन्नी बनाना रिजल्ट नहीं है, ठीक है। आपने मेरे देखे होंगे वीडियोस, मैंने इतने वीडियोस डाल रखे हैं इम्प्लांट कॉम्प्लिकेशंस पे, रिविजन्स पे, किस तरह हम इम्प्लांट्स को ठीक कर रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहला, अगर आप यंग हो या आप ओल्ड भी हो और आपने दवाइयाँ नहीं ट्राई करी है, डायरेक्टली इम्प्लांट के लिए मत जाइए। बहुत सारे ऑप्शंस है जो बिना इम्प्लांट के आपको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इम्प्लांट करा रहे हैं तो प्लीज़ चूज़ अ यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट MCH यूरोलॉजी होते हैं या DNB यूरोलॉजी होते हैं, जिन्होंने इम्प्लांट के अंदर फेलोशिप ट्रेनिंग्स करी हुई है, जिन लोगों को इम्प्लांट करना आता है, जिन लोगों ने इम्प्लांट का A to Z सीखा हुआ है। प्लास्टिक सर्जन को इम्प्लांट करने नहीं आते, जनरल सर्जन को इम्प्लांट करने नहीं आते। कल जो टेक्नीशियन है ये बोलेंगे हम इम्प्लांट कर देंगे, आप करा लोगे, हो सकता है कि 10 में से 5 ठीक हो जाए, पर 5 लोग परेशान होंगे और वो परेशान में आप भी हो सकते हो। तो क्वालिफिकेशन चेक करो, कहाँ आप अपनी सर्जरी करा रहे हो, कहाँ आप जा रहे हो, आपका पेनिस है। आदमी गॉल ब्लैडर कराता है, मैं कह रहा गॉल ब्लैडर छोड़ो, टॉन्सिल कराता है, उसके अंदर भी 3 जगह पेनिस लेता है, पर ये अपने पेनिस को ऐसे दाव पे लगाते हैं जैसे उनका नहीं किसी और का है। आपका पेनिस है यार, आपने उसके साथ सेक्स करना है, आपने उसको इंजॉय करना है, आप उसके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। तो अगर आप पेनाइल इम्प्लांट करा रहे हो तो अच्छे से कराइए, गारंटीज मैंने दी है, मुझसे कराइए, ठीक है, नहीं कराइए कोई बात नहीं, पर जहाँ से भी कराइए एटलीस्ट उस सर्जन से ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट करना आपका राइट है। इसमें मेरी कॉस्टिंग क्या आएगी, मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, मेरे पास क्या वारंटी है, कौन सा इम्प्लांट लगाओगे, मेरे को रिजल्ट क्या आएगा, मेरे को कॉम्प्लिकेशन होगी तो कौन मैनेज करेगा, आपने कितने इम्प्लांट पहले किए हैं, आपके पेशेंट कैसे है, रिव्यू क्या है, मरीज़ कहाँ पर है, ये सब चीज़ें पूछना आपका राइट है एज अ पेशेंट, एंड मेरी ड्यूटी एज अ डॉक्टर आपको बताना। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। ये कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये मेरी सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने सेहत का ख्याल आपके हाथ में है, प्लीज़ अपनी फुल रिसर्च करके करिए, प्लीज़ प्लास्टिक सर्जन को आप अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।